दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान का बीते 16 अगस्त को बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक के कलाकार शामिल हुए थे। और इनकी बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले कलाकार काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए थे। और इन्हीं कलाकारों में से दो ऐसे भी एक्टर हैं जो काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर रहे हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि साउथ एक्टर प्रभास और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर हैं। जहां खबरें हैं कि सैफ की इस पार्टी में प्रभास ने अभिनेता अर्जुन कपूर को थप्पड़ मारा था। जी हाँ, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण प्रभास को थप्पड़ मारने जैसा कदम उठाना पड़ा, और कितनी सच्चाई है इस खबर में बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभिनेता सैफ अली खान और प्रभास जल्द ही फिल्म आदि पुरुष में नजर आने वाले हैं, जो भारतीय पौराणिक गाथा रामायण का रूपांतरण है, जिसका बजट 450 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये भारत में बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, लेकिन फिलहाल फिल्म के बारे में कोई ठोस अपडेट नहीं आई। फिल्म के निर्माता जल्द ही दर्शकों को दशहरा उपहार के रूप में फिल्म के बारे में एक बड़ा अपडेट जारी करने वाले हैं। फिल्म का निर्माण टी सीरीज और रेट्रो फाइल्स ने किया है। प्रभास बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति सैनन के साथ राम के चरित्र को दर्शाएंगे, जो सीता की भूमिका निभाएंगी। फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका में सनी सिंह भी रावण के रूप में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान नजर आएंगे, जिसकी वजह से प्रभास और सैफ अली खान दोनों ही फिल्म में लीड रोल में हैं। इसी कारण दोनों को हर जगह साथ में देखा जा रहा है। और ऐसे मौके में बीते मंगलवार को सैफ अली खान के बर्थडे पर सैफ अली खान ने प्रभास को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था, जिसमें कई सितारे शामिल हुए थे, जिनमें अभिनेता अर्जुन कपूर भी शामिल थे। बता दें, अर्जुन कपूर करीना कपूर के काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनका पार्टी में आना जाहिर था। और ऐसे ही खास मौके पर ना जाने प्रभास और अर्जुन कपूर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि बातों बातों में ही इनकी बहस इतनी बड़ी हो गई कि प्रभास ने अर्जुन को थप्पड़ तक जड़ने में देरी नहीं की। हालांकि अभी तक इन दोनों की बहस की वजह नहीं पता चली है, लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात है कि आखिर क्यों प्रभास ने ये कदम उठाया, जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में देखना ये है कि क्या सैफ अली खान अब प्रभास के इस कदम पर उनसे गुस्सा होकर फिल्म आदि पुरुष छोड़ देंगे या फिल्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिल्म 90% शूट हो चुकी है और ऐसे में फिल्म छोड़कर जाना हर किसी के लिए काफी नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।